हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू भावना ब्लॉग्स कैसे हैं आप सब तो फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए एक रेसिपी लेकर आई हूं और आज हम बनाएंगे आलू स्टफ्ड मिर्ची का पकोड़ा हरी वाली मिर्ची होती है ना वो मोटी वाली तो आलू की स्टफिंग भरेंगे उस हरी मिर्च में तो इसमें मेरी हेल्प करेंगी मेरी मम्मी जैसे कि आजकल बारिशों का मौसम चल रहा है तो उसमें तो और भी मन करता है कि हम पकोड़े खाएं तो कुछ अलग वैरायटी भी हो जाती है और बनता भी बहुत टेस्टी है तो आइए स्टार्ट करते हैं रेसिपी तो मिर्च के पकौड़े के लिए आ, हमने लिया है दो कप बेसन दो कप बेसन मैंने ऊपर तक भर के नहीं लिया यानी कि नॉर्मली दो कप बेसन लिया है मैंने तो इस बेसन में हम डालेंगे थोड़ा सा नमक अपने स्वाद अनुसार हमने इसमें एक टीस्पून नमक डाला है और इसमें एक टीस्पून ही लाल मिर्च डाली है ये कश्मीरी वाली लाल मिर्च है तो ये एक टीस्पून डाल दी है हमने अगर आप दूसरी ले रहे हैं तो थोड़ी कम डालिएगा क्योंकि कश्मीरी में थोड़ा सा आ, मिर्च कम होता है और फिर इसमें डाल दिया थोड़ी सी अजवैन और अब कुछ नहीं करना है आपको अब आप मैंने इस आ, उसी कप में एक कप पानी ले लिया है और इसे अच्छे से मिक्स कीजिए जिससे कि इसमें लम्ब्स ना बने और ये प्लेन सा बैटर बन जाए बेसन का तो तब तक इसको हिलाते रहिए मिक्स करते रहिए और पानी जो है धीरे धीरे डालिएगा सारा पानी एक साथ मत डालिएगा कभी भी तो इसे अच्छे से हिलाइए अच्छे से मिक्स कीजिए देखिए इसकी कंसिस्टेंसी आप जो देख रहे हैं इस तरह से होनी चाहिए ये ना ज्यादा गाढ़ी है और ना ज्यादा पतली है इसमें जो पानी की क्वांटिटी मैंने ली है वो एक कप से लेके सवा कप तक इसमें डल गई है तो उसी के बीच में ही ये अच्छी सी कंसिस्टेंसी आपकी बन के तैयार हो जाएगी इसे ज्यादा पतला मत कीजिएगा तो ये रही हमारी हरी मिर्चें इसके लिए आपको मोटी वाली हरी मिर्च लेनी है ये मीडियम साइज की हरी मिर्च है यानी कि मोटी उस टाइम नहीं मिल पाई इससे भी मोटी वाली हरी मिर्च आती है जिसमें आलू की फिलिंग अच्छे से भर जाती है ये थोड़ा मीडियम साइज है तो मैं इसी में फिलिंग भरके दिखाऊंगी आपको और अगर आपको मोटी वाली हरी मिर्च मिले तो आप प्लीज वही लीजिएगा तो अब बहुत सिंपल सा है आपको कुछ नहीं करना है आपको मिर्च में एक हल्का सा कट लगाना है बीच में जैसे कि आप देख ही रहे हैं जैसे मिर्च में मम्मी कट लगा रही हैं इस कट को लगा के आप अगर बीज निकालना चाहते हैं तो आप बीजों को निकाल सकते हैं अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद नहीं आप पसंद नहीं करते हैं ज़्यादा स्पाइसी खाना तो आप बीज निकाल सकते हैं और अगर थोड़ा बीज थोड़े बीज इसमें छोड़ना चाहें तो आप इसमें रहने दीजिए ताकि अच्छा सा फ्लेवर आ जाए तो मम्मी भी कुछ ऐसा ही कर रही है कि इसमें सारे बीज नहीं निकाल रही हैं कुछ भी कुछ बीज इसमें हैं जो कि फ्लेवर के लिए छोड़ दिए हैं मम्मी ने और ये हमारी चौदह से पंद्रह के बीच हरी मिर्चें हैं और ये ढाई सौ ग्राम हरी मिर्चें लेनी है आपको इसके लिए तो आइए अब तैयार करते हैं आलू की फिलिंग तो आलू की फिलिंग के लिए हमने आलुओं को बॉईल कर लिया है ये पांच से छह आलू हैं जो कि मीडियम साइज के आलू हैं अब इन आलूओं को आप अच्छे से मैश कर लीजिए आप चाहें तो इन्हें हाथ से मैश कर सकते हैं और आप चाहें तो मैशर की हेल्प भी ले सकते हैं तो मम्मी ने इन्हें हाथ से ही मैश कर लिया है तो मैंने गैस पे अब पैन रख दिया है ये नॉन स्टिक पैन है इसमें मैं आलू की फिलिंग को रेडी करने वाली हूं तो इसमें मैंने डाल दिया है एक टेबल स्पून के करीब ऑयल तो ऑयल डालने के बाद इसमें आपको डालनी है थोड़ी सी हींग मैंने इसमें एक पिंच हींग डाल दी है और कटी हुई हरी मिर्चें छोटे छोटे पीस में मैंने इन्हें काट लिया था और उसके साथ ही डाल दी है थोड़ी सी अदरक जो मैंने बहुत छोटे पीसेस में काट लिया है उनको और उसके साथ ही मैंने इसमें आधा टी स्पून के करीब जीरा डाल दिया है उसे थोड़ा सा फ्राई करने के बाद आपको मैश किए हुए आलू उसमें मिक्स कर देने हैं और मैंने इसमें मैश किए हुए आलू डाल दिए हैं और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है थोड़ा सा नमक जो कि आधे से पौने चम्मच के करीब नमक डाला है मैंने इसमें और इसमें मैंने डाल दी है थोड़ी सी लाल मिर्च थोड़ी सी हल्दी तो लाल मिर्च को आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं मैंने आधे से पौना चम्मच के करीब लाल मिर्च डाली है इसके अंदर और इसे अच्छे से मिक्स कीजिए और मिक्स करने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है थोड़ा सा धनिया पाउडर अब आप इसमें डाल दीजिए थ्री फोर्थ टी स्पून अमचूर और सबसे एंड में हम डालेंगे गरम मसाला अपने स्वाद अनुसार तो मैंने इसमें आधे से पौने चम्मच के करीब गरम मसाला डाल दिया है और अब इसे अच्छे से मिक्स कीजिए और हिलाइए अच्छे से ताकि इनझे लगे ना और अब इसमें बिल्कुल थोड़ी सी हम डाल देंगे चीनी तो मैंने ये आधे चम्मच से भी कम हल्की सी चीनी डाल दी क्योंकि वो खट्टा मीठा सा फ्लेवर आएगा वो टेस्टी लगेगा बहुत तो बस ये आलू की फिलिंग बनके रेडी हो गई है आप गैस को कर दीजिए बंद और इसके ठंडे होने का वेट कीजिए एकदम गरम गरम फिलिंग को आपको मिर्चों के अंदर नहीं भरना है तो आप प्लीज इसके थोड़ा ठंडा होने का वेट जरूर कीजिएगा तो अब हमारा आलू का मिक्सचर ठंडा हो चुका है तो अब अगर आप इसमें चाहें थोड़ी सी खटास के लिए आप इसमें नींबू डाल सकते हैं मैंने इसमें आधा लेमन डाल दिया है और याद रखिएगा ये नींबू का भी आप जब गैस पे इसे मिक्स कर रहे हैं तब मत डालिएगा वरना टेस्ट कड़वा हो जाएगा जब ये मिक्सचर ठंडा हो जाए तभी आपको इसमें नींबू डालना है नींबू का रस और अब हम इसे फिल करने वाले हैं मिर्चों के अंदर तो आइए हम इन्हें फिल करते हैं तो अब एक एक मिर्च को आप लेते जाइए और उसमें आलू की फिलिंग को डालते जाइए और अच्छे से डालते जाइए कि जिससे कि जितना उसमें प्रॉपर स्पेस है वो खाली ना रहे पूरे अच्छे से उसको फिल कर दीजिएगा और उसे एक स्पून लेके आपको प्लेन भी करना है यानी कि फिलिंग बाहर ना आए क्योंकि जब आप बेसन लगाएंगे और फिलिंग अगर ज्यादा ही बाहर होगी तो वो उसी में टूट जाएगा कढ़ाई में तो ये स्पून हाथ में ले लीजिएगा और सारी फिलिंग भरने के बाद इसी स्पून से आप उस मिर्च पे, मिर्च के ऊपर इसको प्लेन से प्लेन कर दीजिएगा बिल्कुल तो ये ऊपर का जो सरफेस है वो बिल्कुल प्लेन प्लेन हो जाएगा जिससे कि बैठ जाएगा वो सरफेस आलू की फिलिंग जो है बैठ जाएगी और तलने में भी बहुत ईजी होगी आलू बाहर नहीं आएगा तो सारी मिर्चों में मम्मी ने फिलिंग को भर दिया है देखिए और ये देखने में ही बड़ी चटपटी सी लग रही हैं तो अब मम्मी इनको तलने वाली हैं तलने के लिए रेडी हो गई हैं हरी मिर्चें अब ये देखिए मम्मी पकोड़े तलने से पहले बेसन को अच्छे से मिक्स कर रही हैं अपने हाथ से इससे बेसन हल्का हो जाता है हो सके तो आप भी ये टेक्निक जरूर कीजिएगा आपको इसे थर्टी टू फोर्टी सेकेंड तक करना है इतना ही काफी है इससे बेसन हल्का हो जाता है और जब पकौड़े बनते हैं तो अच्छे बनते हैं फूले फूले पकौड़े बनते हैं बहुत इससे तो फ्रेंड्स आलू स्टफ मिर्ची पकोड़ा तलने के लिए मैंने कढ़ाई गैस पे रख दी है और मैं इसमें बेसन डाल के देख रही हूं कि तेल अभी गर्म हुआ है कि नहीं हुआ है क्योंकि यही टेक्निक सबसे अच्छी टेक्निक है कि छोटा सा आप बेसन का हल्का सा वो डालिए पेस्ट और वो अगर ऊपर आ जाता है फटाफट तो इसका मतलब है कि ऑयल गर्म हो चुका है अच्छे से तो ऑयल गर्म हो चुका है अच्छे से और अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च के पकोड़े तो आप ध्यान रखिए कि जब भी आप तेल गर्म करते हैं तो उस गैस को पहले अच्छे से गर्म करने के बाद गैस को सिम पे कर दीजिए तभी आप पकोड़े डालिए कभी भी फुल पे गैस करके पकोड़े मत डालिए वरना वो उसी टाइम जलने शुरू हो जाएंगे ब्लैक हो जाएंगे यानी कि ब्राउनिश कलर में आ जाएंगे तो हमेशा जब तेल गर्म हो जाए गैस को प्लीज सिम कर दीजिए उस टाइम और जब आप पकोड़े डाल लें उसके बाद आप गैस को मीडियम पे कर सकते हैं तो फ्रेंड इसकी भी दो टेक्निक्स होती हैं जैसे आप इसे करना चाहें कई बार क्या होता है कि एक बार हम इसे तल के रख लेते हैं और फिर जब गरम गरम खाना हो तो दोबारा सेकेंड टाइम फिर से तलते हैं बट हम यहां पर इसको एक ही बार तलेंगे तो ये मिर्च पकोड़ा बन के बिल्कुल रेडी हो गए हैं और फ्रेंड्स एक टिप देना चाहूंगी आपको कि जब भी आप मिर्ची का पकोड़ा बनाने का प्लान करें तो आप कोशिश करें कि उसे दो से तीन दिन के अंदर आप बना लें क्योंकि हम फ्रिज में रख देते हैं मिर्चियां लेके और मिर्ची की जो बाहर की सतह है यानी कि बाहर की जो स्किन होती है वो जब आप लेते हैं तो वो टाइट होती है लेकिन फ्रिज में रखने के बाद वो दो से तीन दिन से अगर ऊपर हो जाए तो वो काफी ढीली पड़ जाती है नरम पड़ जाती है तो जब आप उसे बनाएंगे तो वो मजा नहीं आएगा आपको वो क्रंचीनेस जब आप बाइट लेंगे या उसको बनाएंगे तो मिर्ची गल जाएगी तो कोशिश कीजिए कि जब भी आप मिर्च लें तो उसे दो से तीन दिन के अंदर बना लें जिससे जिससे कि आप जब मिर्ची का पकोड़ा खाएं तो उसका फ्लेवर भी अच्छा आए और मिर्ची की फ्रेशनेस भी बनी रहे तो फ्रेंड्स ये थी सिंपल सी रेसिपी आ, मिर्च पकौड़ा बनाने की तो आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके मैं आपके लिए आती रहूं थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस